हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। जी, बताइए। हजरत जी, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका हर प्रोग्राम स्पीचलेस था, और अल्लाह से यही दुआ है हजरत जी की अल्लाह ताला आपको रोज़े क़यामत के दिन इसका नेकी और इसका अजर दे के आपको स्पीचलेस कर दे। आमीन। और हजरत जी, आपके अंदर आप अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके अंदर उम्मत के लिए मौलाना हाजी अब्दुल वहाब साहब जैसी तड़प डाले और आपको उसका बहुत 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 अजर अता फरमाए। आमीन। हजरत जी, पहले तो मेरा ये सवाल था कि मैं मंडे ट्यूसडे आपको कुछ पर्सनल सवाल करने थे तो ट्राई किया तो वो नहीं लग पाया, तो क्या वो कल हो सकता? और दूसरा सवाल मेरा ये है हजरत जी के, इल्मुल अदद से इस्मे आज़म निकालना क्या ये जायज है, और जायज है तो इसका सही तरीका क्या है? और हजरत जी, तीसरी आपसे दुआ की गुजारिश है, आप मौसम के लिहाज से मुस्तजाब दावत हैं, तो इसलिए जो है तो साउथ इंडिया में अभी मानसून आना है, तो आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश से सब नदी नाले सब भर दे और कोई परेशानी ना हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत दे। आपने हुस्न ज़न अपना ज़ाहिर किया, अल्लाह आपके हुस्न ज़न को हकीक़े से बदल दे। बाकी बुज़ुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलने की हमें तौफीक हो, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा में अल्लाह के फ़ज़ल को लेकर हम चलते रहें, और इसी तरीके से इशाअत दीन और दिफा इस्लाम का ये काम होता रहे। और बाकी है कि आपने दुआ की दरख्वास्त की, अल्लाह तबारक व तआला आपके जो है वो साउथ इंडिया के अंदर जो मौसम को जो है साजगार रखे, और वहाँ बारिशों की ज़रूरत जब पड़े तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जी भर के जो है वो बारिशें जो है वो नाजिल करे, और उन बारिशों का जो है आप हज़रात को नफ़ा पहुँचे, और नदी नाले जो है फसलों को ज़रूरत होगी बारिश की तो वहाँ अल्लाह ताला खूब बारिशें नाजिल फरमाए। ख़ास पर जो वबा वहाँ फैली हुई है कोरोना वायरस की वबा को भी अल्लाह तबारक व तआला जो है दफ़ा दूर कर दे, धो दे, और हर तरह जो है आप हज़रात को वहाँ राहत आराम मिले। बाकी के इल्मुल अदाद के हवाले से इंशाल्लाह वो आज कशकोल के अंदर हमने वादा किया कि आइंदा जो इंशाल्लाह हम कशकोल के उसके अंदर हम इल्मुल अदाद के हवाले से बात करेंगे कि किसी नाम का अदद कैसे निकाला जाता है। फिर आप कह रहे कि इसमें आज़म कैसे निकाला जाता है, तो असल में निकालना जायज़, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, वो तो अल्लाह का नाम होता है। तो एक तरीके इल्मुल अदाद एक इल्म है, ये एक इल्म है, उस इल्म के ज़रिए से आज इल्मुल अदाद के ज़रिए से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हवाई जहाज़ आपके उड़ गए। ये मैथमेटिक्स तो है, इस मैथमेटिक्स के से आपकी हवाई जहाज़ उड़ते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी आपकी सारी इल्मुल अदाद से ही चलती है। इल्मुल अदाद तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बतौर मोजज़े के अता किया था, और इल्मुल अदाद से आज जो आपकी सारी पूरी साइंस टेक्नोलॉजी इल्मुल अदाद तो है, तो इसे इल्मुल अदाद पे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ यह है कि अब आप उसको रूहानी तरीके पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपने नाम का इस्मे आज़म निकालते हैं, इस्मे आज़म जो बुरा होता है अल्लाह के नाम है, अल्लाह के नामों में से कौन सा नाम है जो आपके जो है वो नाम के साथ मुनासिबत पर रखते हैं, और उसका जब विर्द करेंगे तो उसका इजलाल और नफ़ा आप पर ज़्यादा ज़ाहिर होगा। तो यह मकसद है, इसमें और कोई ऐसा मकसद नहीं होता, खुदा न खासा ये कोई शेर की बिदत या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक जो है एक नफ़ा हासिल करने के लिए कि मैं कौन सा अल्लाह का नाम, 99 नाम है उनमें से कौन से नामों का जिक्र करूँ कि उसका इजलाल मुझ पर हो, उसके अनवारा तजलियात मुझ पर हों, और मुझे उसका पूरा बेनिफिट हासिल हो। तो इसलिए वो इल्मुल अदाद के ज़रिए से इसमें आज़म निकालने में कोई मज़ाक़ा नहीं है।